हेलो व्यूअर्स, आई एम सीरियस सिंह गहलोत, गुरुकुल एकेडमी फ्रॉम झाबुआ। आप सभी व्यूअर्स का मेरे इस चैनल गुरुकुल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं देयर का सेकंड यूज। पहली वीडियो के अंदर आपको मैंने देयर का फर्स्ट यूज बताया था कि वर्तमान काल में हम देयर का कैसे यूज करते हैं। आज आपको इस वीडियो में बताया जा रहा हूँ देयर का भूतकाल और भविष्य काल में कैसे यूज करते हैं। तो देयर का यूज हम कहाँ करते हैं, पहली वीडियो बताया था, एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देयर का हम वहाँ यूज करते हैं जब हम किसी वस्तु की, सजीव या निर्जीव वस्तु की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो हम का यूज करते हैं। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है, मेन वर्ब नहीं होती है, केवल स्थिति के बारे में ही बात होती है। जैसे आपको भूतकाल और भविष्य काल है तो पहले आपको स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप देयर का यूज कर रहा है तो देयर क्या करता है, वाक्य की और शुरुआत करता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना कि देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं होता है और देयर केवल वाक्य की शुरुआत ही कर रहा है, केवल सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है काम, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं होता है। देयर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, वास आया, वर आएगा। वास कहाँ पे आएगा, जब किसी एक की बात होगी तो वास का यूज करेंगे, वो एक से ज्यादा होगी, दो होगी, तीन होगी, वो ज्यादा होंगे तो हम वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नाउन आएगा और अदर वर्ड्स आ जाएगा। इसकी पहचान क्या आएगी, था, की, थे, ये भूतकाल की पहचान है। इसी प्रकार से भविष्य काल की आएगी तो यहाँ पर क्या आएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, केवल यहाँ पर विल भी आ जाएगा। ये भूतकाल की निशानी है और ये भविष्य काल की निशानी है। हिंदी में होगा होगा, होगी, होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर स्थिति में भूतकाल की। तो सड़क पर एक कार थी और सड़क पर कई कार थी, ये भी सेम सेंटेंस लिया है लेकिन यहाँ पर वास और वर्क क्लियर हो जाएगी। वास हम कहाँ यूज करेंगे, वर्क कहाँ यूज करें, कंफ्यूजन नहीं होना। जहां पर एक की बात होती है, केवल सिंगुलर पर्सन की बात होती है तो हम वहां पर वास का यूज करते हैं, और जहां पर एक से ज्यादा हो जाते हैं, दो दस जितने भी हो, असंख्य हो जाए, तो वहां पर हम वर का यूज करते हैं। तो सड़क पर एक कार थी, तो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत करने के लिए हम क्या लगाएंगे, देयर का लग यूज करेंगे। देयर फिर एक कार थी, एक कार की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। तो देयर वॉज अ कार, There was a car। कहां पर थी, सड़क पर थी। और पर के लिए ऑन लगाएंगे, ऑन द रोड, सड़क पर एक कार थी। ऑन की पर क्या है, ये प्रीपोजिशन है, ऑन ऑन प्रीपोजिशन है। सड़क पर कई कार थी, There were many cars। There were many cars on the road। और यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या था, एक वचन था, एक कार थी, इसलिए वॉज का यूज करा, और यहां पर एक से ज्यादा कार है इसलिए वर का यूज करेंगे। झाबुआ में एक कॉलेज था, There is a college झाबुआ। और झाबुआ में कई पेड़ थे, बहुवचन की बात हो रही है, यहाँ पे कई पेड़ थे इसलिए हम वर्ब का यूज करेंगे, देयर वर मैनी, देयर वर मैनी ट्रीज इन झाबुआ, इस प्रकार। अब यहाँ एक तालाब था, यहाँ एक तालाब था, हियर यहाँ के लिए हियर का यूज करेंगे। एक तालाब था, देयर वॉज अ पॉन्ड, यहाँ यहाँ के लिए हियर आ जाएगा, हियर मीन्स यहाँ। आज रात एक पार्टी होगी, यहाँ पर विल बी का यूज करेंगे, पार्टी होगी, भूतकाल भविष्यकाल की बात हो रही है। देयर will be a party, there will be a party, आज रात को बोलते हैं tonight, there will be a party tonight। दोपहर में एक मैच था, there was a match in the afternoon, there was a match in the afternoon। शाम में डिनर था, भूतकाल की बात हो रही, एक हटा देंगे, शाम में डिनर था। There was a
dinner in the evening. एक राजा था, यहाँ पर स्थिति की बात हो रही है. There was a king. इस प्रकार से आप देयर के द्वारा कई सेंटेंस बना सकते हैं. अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने जो अभी यूज करा यहाँ पर भूतकाल के अंदर वॉज वर्ब का यूज करा, यहाँ पे विल बी का यूज कर सकते हैं. जैसे सड़क पर एक कार थी, यहाँ पर सड़क पर एक कार होगी, थी की जगह हम लगा देंगे होगी, तो आ जाएगा देयर विल बी अ कार ऑन द रोड. क्योंकि यहाँ पर वॉज और वर, एक वचन के लिए वॉज और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन भूतकाल में भविष्य काल में ऐसा नहीं है. इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब विल बी, मतलब यहाँ पर एक वचन हो या बहुवचन हो सब्जेक्ट, हम सभी के लिए किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे. तो सड़क पर एक कार थी की जगह होगी लगा देंगे, तो देयर वॉज की जगह विल बी आ जाएगा. देयर विल बी ए कार ऑन द रोड, सड़क पर कई कार थी, तो सड़क पर कई कार होगी, तो देयर विल बी मेनी कार्स ऑन द रोड. झाबुआ में एक कॉलेज होगा, तो देयर विल बी आ जाएगा अ कॉलेज इन झाबुआ. यहाँ एक तालाब होगा, तो देयर वॉज की जगह विल बी लगा देंगे, तो देयर विल बी ए पॉन्ड हियर. इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और स्थिति का प्रयोग करके. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें. और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, मेरे इस चैनल पर आप नए हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें. थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.